द क्वेश्चन इज 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्नड विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ क्लोज वेसल, है ना। तो बोला क्या है कि 1.0 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया गया है 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इन अ क्लोज वेसल, है ना। तो जो लेफ्ट आउट रिएक्टेंट होगा वो कितना होगा और कौन सा होगा, तो हमें ये बताना है। तो इसमें पहले हमें इसको रिएक्शन, ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें पहले इसकी पूरे इक्वेशन निकाल के इसमें देखना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर उसके हिसाब से हमें उसका रिएक्शन लिखना होगा, फिर जो बचेगा वो लिखना होगा, है ना। तो इसके पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, हमारे रिएक्शन होगा ये Mg + O2 = MgO। तो हम इसको अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर भी आएगा 2, है ना। तो हमें पहले इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है ना। तो इसका हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल अपॉन में कोफिशियंट, है ना। जैसे कि इसका कोफिशियंट ये है, इसका कोफिशियंट 1 हो जाएगा, इसका 2, है ना। तो पहले हम Mg के नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है, मास गिवन है इसमें 1 ग्राम मैग्नीशियम का, और ये तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो इसका गिवन मास हो जाएगा 1 और मोलर मास हो जाएगा 24, है ना। और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इसी तरह से, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो गिवन मास इसका कितना है 0.56 ग्राम, अपॉन में मोलर मास इसका कितना हो जाएगा O2, है ना, तो 32 हो जाएगा इसका मोलर मास। और अब लिमिटिंग रिएजेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मोल ऑफ ए अपॉन कोफिशियंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ बी अपॉन कोफिशियंट ऑफ बी। तो हमारा अभी ये ए है और ये बी है ना, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो मोल ऑफ ए हमारा हमने निकाल लिया और मोल ऑफ बी भी निकाल लिया, और फिर कोफिशियंट से मल्टीवाइड कर देंगे। तो 1 बाई अगर 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मोल ऑफ ए अपॉन कोफिशियंट इज इक्वल टू मोल ऑफ बी कितना है 0.56 बाई 32, इसको 1 से अपॉन करेंगे तो इतना ही रहेगा ये, है ना। तो अब तो इसे कॉमा, ये इज इक्वल टू मतलब कॉमा है ना, तो जिसकी वैल्यू कम आएगी ना वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब वो वाला चीज़ पूरी यूज़ होगी। तो इसका निकालते हैं, ये आ जाएगा 1/48 और ये हो जाएगा 0.56 बाई 32। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, है ना, दोनों का डिनोमीटर सेम करेंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो हमारा ये होगा 1/48 और ये हमारा हो जाएगा कितना 0.84/48, है ना, 0.84/48। ये हमने O2 का निकाल रहे थे इधर हम, और इधर हम Mg का निकाल रहे थे। तो इधर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों में से ये छोटा है, मतलब हमारा O2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, है ना। तो हमें पता लगा कि O2 पूरा खर्च होगा और Mg बचेगा, है ना। तो आंसर तो सी होगा या फिर ए होगा, तो अब इनमें से कौन सा होगा अब हमें वो देखना है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, मोल ऑफ ए अपॉन कोफिशियंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ बी अपॉन कोफिशियंट ऑफ बी, है ना। तो मोल ऑफ हमने इसके निकाल लिए हैं 0.84/48, है ना, मोल ऑफ कोफिशियंट का रेशो आ गया है। और हम मैग्नीशियम का मोल और कोफिशियंट का रेशो निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम आ जाएगा कितना, उसको हम एक्स मान लेंगे, और कोफिशियंट कितना है इसका, कोफिशियंट इसमें है इसका 2, है ना। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना है एक्स, है ना, मोल ऑफ मैग्नीशियम भी लिखा हूँ Mg, है ना। तो ये हमारा जाए 0.84/48, है ना। हम हमें मोल निकाल लिया मैग्नीशियम के, हमें मास निकालना है मैग्नीशियम का, ये वो मास होगा ना जो इस रिएक्शन में यूज़ हो गया है। तो यहाँ पे हम मोल दिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल कितना है ये 0.84/48 = क्या होगा गिवन मास, गिवन मास कितना है हमें पता नहीं, है ना, हमें वही निकालना है हमें कितना मास कंज्यूम होगा, और मोलर मास 24, है ना। तो इसका गिवन मास कितना आ जाएगा 0. यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में ये जाएगा, ये मैं लगाना भूल गया सॉरी इसके लिए, 0.84 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ पे भी ये 2 मल्टीप्लाई में, और 0.84 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 24 बाई 48, है ना। तो ये 48 ये कट गया, तो जो हमारा ये 0.84 ये मैं जो पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, पेज पूरा भरा हुआ है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं पेज चेंज कर रहा हूँ तो फिर आपको दिमाग चेंज हो जाएगा, मतलब समझ नहीं पाओगे या फिर मैं समझा नहीं पाऊँगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो हमारा जो मास आया है मैग्नीशियम को जो कंज्यूम हुआ वो इतना है ना, तो हमारा बचेगा वो कितना होगा, हमें 1 ग्राम दिया था उसमें से इतना कंज्यूम होगा, तो बचा कितना 0.16। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर। और अगर कुछ सिंपली समझना है इसको अच्छे से, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ख़राब हो गया है, तो कमेंट कर देना, मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूँगा।